जी सर बतलाया जाए कि अभी जो सारनाथ एक्सप्रेस ट्रेन में लूट की घटना हुई, क्या ये ट्रेनों की सुरक्षा व्यवस्था पे सवाल खड़े नहीं कर रहा है? ट्रेनों पे सुरक्षा व्यवस्था हिंदुस्तान में आपको पता है कि उसके अपने लिमिटेशंस हैं। हमने जो ट्रेनें और जो स्टेशनें बनाई हैं उनमें जो सुरक्षा व्यवस्था में जितने प्रकार के इंतजाम की ज़रूरत है उतने प्रकार के इंतजाम करने की तैयारी सरकार कर रही है। जितने संसाधन हैं उनमें जो बेस्ट उपलब्ध तरीके हैं सुरक्षा प्रदान करने के लिए उनको किया जा रहा है। जो घटना हुई है वो एक आकस्मिक घटना है, कोई उसका वो पूरे 2018 में वो एक सिंगल घटना हुई है और उसमें जो अपराधियों का हम लोगों ने प्रोफाइल लिया है उसमें वो रेलवे में क्राइम करने वाले पेशेवर अपराधी नहीं है, वो मोहल्ले के अपराधी हैं जो मोबाइल छिनतई काम करते हैं। अपने दोस्तों के साथ मिलकर के उन्होंने मोबाइल छिनतई के प्रयास से ये घटना करी है। उनकी सबकी पहचान हो गई है, उनको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसी वारदात फिर रेलवे में नहीं होगी। सर आपने अभी जैसे कि ये जानकारी मिली है कि आप वहीं से जांच करके आ रहे हैं? हाँ, मैं वही घटनास्थल गया था, वहाँ पूरी मैंने क्राइम करने के तरीके को समझा, अपराधियों के मानव विज्ञान को समझा, उनके कारण समझा अपराध करने के लिए क्यों किया उन्होंने। उसके बाद से ये भी मैंने समझा कि आगे हम ऐसे क्या सुरक्षा व्यवस्था करें जैसे इनकी पुनरावृत्ति ना हो।